पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। अब कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, दो तीन एग्जांपल देखो अपने आप दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रिंग्स के अंदर एक रूल है कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं और बीच में एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग टाइट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग टाइट है, तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी हर एलिमेंट की सेम होगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी सेम होगी। जैसे इसकी वेलोसिटी अगर u है तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो बोलो v इज इक्वल टू u, आंसर। रिलेशन निकालना होता है v और u का, तो वेलोसिटी दोनों की एग्जैक्टली सेम आएगी। ठीक, पहला स्टेप क्लियर है। फिर से, अगर एक टॉय के साथ आप खेल रहे हो और दो ब्लॉक्स हैं, पहले ब्लॉक की वेलोसिटी अगर इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड है तो स्ट्रिंग टाइट है, तो दूसरे की भी 2 मीटर पर सेकेंड है, सेम ही होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? देखो ना, जब ये बिल्कुल टाइट है और आप बिल्कुल इसको स्ट्रेट लेके जा रहे हो, तो स्ट्रेट लेके जा रहे हो तो वेलोसिटी हर पॉइंट की एग्जैक्टली सेम होगी। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? आगे, अब इसमें ये वेलोसिटी मान लो v है, ये u है, और क्वेश्चन में गिवन है मैंने, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइट है, तो इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग v cos थीटा 1, इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग u cos थीटा 2, और रूल है कंस्ट्रेंट का, कंस्ट्रेंट का मतलब हमेशा कंडीशन ट्रू होगी कि स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यूज हमेशा सेम होंगी। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये रिलेशन आ जाएगा यू और वी का। जैसे फिर से करके देखते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन में अपने आप ठीक हो जाता है। देखो, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, फिर से स्ट्रिंग टाइट है, इसकी वेलोसिटी ऊपर जाने की यू है, इसकी लेफ्ट की तरफ वी है, और ये एंगल थीटा गिवन है, तो अगर ये थीटा तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये थीटा, तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा, पर मैं इंटरेस्टेड हूं स्ट्रिंग के अलोंग, तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट वी कॉस थीटा, और स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम रहेगी। इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग कितनी है? यू। और इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग कितनी है? वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू, आंसर। तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ले लेना है, वो सेम हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन तो हमने वेक्टर के अंदर किया था ऑलरेडी, ये देखो डायग्राम, अगर मेंस और नीट का पेपर होता, किया था कि नहीं किया था, तो 50% लोगों को याद ही होता कि किया था, किया था, तो चलो आप रेस में हो, ठीक हो, चांसेस हैं। तो देखो, आप इसे नीचे खींच रहे हो विद वी, और ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद यू, ये थीटा, तो स्ट्रिंग के अलोंग यू का कंपोनेंट बोलो यू कॉस थीटा, और इसका तो ऑलरेडी वी, तो वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वेक्टर के अंदर ये किया था, उस टाइम समझ में नहीं आया था थोड़ा, पर अब समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रेंट से कैसे करते हैं। जैसे, ठीक, जैसे ये रहा, इसका स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? वी। ये रस्सी एक रिंग के साथ कनेक्टेड है, आप इसे नीचे खींचते हो, रिंग पे जोर पड़ता है, रस्सी के थ्रू रिंग राइट की तरफ मूव करती है, और रिंग राइट की तरफ मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, तो इस वेलोसिटी का स्ट्रिंग के अलोंग कॉम्पोनेंट कितना है? यू कॉस थीटा, तो स्ट्रिंग के अलोंग यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी, आंसर। तो इस टाइप के अगर कोई ऑब्जेक्टिव आता है कि वेलोसिटी का रिलेशन निकालो, तो अपने कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग लेने और उनको इक्वल कर देने, दैट्स इट। ठीक, अगर कभी आ जाए, बोला ऐसा स्कूल में तो नहीं आता, पर वैसे कभी आ जाता है। ये क्वेश्चन तो मेंस और नीट में बहुत बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन में मास गिवन नहीं है, लिख लो, इमेजिन मास इज इक्वल टू एम, गिवन मास इज इक्वल टू एम, वैल्यू नहीं, अब एम की फॉर्म में आंसर निकालेंगे, गिवन मास इज इक्वल टू एम। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बहुत बार आता होता है कि, और ये तो एनसीईआरटी स्कूल में भी बहुत बार आता है, कि अगर एक बॉल आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, टक्कर हुई, वापस चलेगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, और जब टक्कर हुई तो टाइम ऑफ इंपैक्ट कॉन्टैक्ट कितना है? 0.1 सेकेंड। तो फोर्स बताओ एवरेज कितनी लगेगी दीवार के ऊपर, क्योंकि बॉल हिट करेगी ना तो फोर्स लगाएगी, तो आपको ये सॉल्व करना है।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 10 है, तो वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली वेक्टर इस तरफ है, देखो वॉल खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर खत्म हो गया, तो डायरेक्शन यही ड्रॉ कर लो 10, और अगर ये 30 गिवन है तो ये 60 हो जाएगा, टोटल 90 है, 60 60 वर्टिकली ऑपोजिट। तो इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेने आपने, 10 cos 60 और 10 sin 60, कोई डाउट? उसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी भी 10 है, और अगर ये 30 है 60, तो फाइनल वेलोसिटी 10 है, तो 10 cos 60, 10 sin 60। हम एक्स वाई प्लेन में काम नहीं करेंगे, या तो हम एक्स में करेंगे या हम वाई में करेंगे। तो आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल लिए, तो अब कुल मिला के आपके पास ये समझ में आता है कि इनिशियल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स के अलोंग वो कितना है, 10 इंटू कॉस ऑफ 60, और फाइनल कंपोनेंट एक्स के अलोंग कितना है, 10 इंटू कॉस ऑफ 60, और ऐसी वाई कंपोनेंट में 10 इंटू साइन ऑफ 60, 10 इंटू साइन ऑफ 60। बाकी सब अब बेकार हो गया डायग्राम, सिर्फ यही काम की चीज रह गई, क्योंकि आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से इनिशियल वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकाल लिए, फिर फाइनल वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स निकाल लिए। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अब एक काम करते हैं, इसमें क्योंकि एवरेज फोर्स निकालनी है, एवरेज फोर्स देखो वैसे फोर्स क्या होती है, डीपी बाई डी टी, पर एवरेज वर्ड आ गया तो टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो एक्स एक्सिस में टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। आज ही क्वेश्चन किया कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी इसके इक्वल है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन साइन आएगा माइनस, क्योंकि दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यानी कि, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर दो मिनट के लिए मैं वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दूं, एम एम, तो ये क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गए। तो बोलो टोटल चेंज इन मोमेंटम एक्स में कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इतने इनिशियल इतने, लेकिन आपको बीच में साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। एक ना काम करो, यहां एम लगाओ पहले, मैं मास लगाना भूल गया हर जगह, यहां भी लगाओ और नीचे तक एम की फॉर्म में आंसर छोड़ दो। तो नोट कर लेना, इसमें गिवन, इसमें एम की वैल्यू इज नॉट गिवन, तो आप यहां पर एम लगाओ, मास भी आएगा, एम इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कर लोगे सॉल्व इसे, एम 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 लगाते जाओ नीचे तक, ठीक। y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस में तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन भी वही है, फाइनल भी वही है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस, इनिशियल माइनस नहीं लगेगा बिकॉज दोनों आर इन सेम डायरेक्शन, तो चेंज के लिए तो माइनस लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो आप बोलेंगे y एक्सिस में फोर्स जीरो है, x एक्सिस में फोर्स वो रही। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है यहां तक? और एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन शीट नंबर 34 मिली है आपको, चेक करना, शीट नंबर 34 का प्रिंट आउट लेंगे जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। ठीक, शीट नंबर 34, इसके अंदर सबसे पहले लैमीज थ्योरम है। लैमीज थ्योरम वैसे जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, मैंने वो लिंक सेंड किया था, तो लैमीज थ्योरम उसमें करवाई थी, बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम एक काम करूंगा, शीट लिख के लाऊंगा, मैं फिर से दो मिनट लगा के लैमीज थ्योरम करवा दूंगा आपको, हो सकता है स्कूल में कोई पूछ ही ले, ठीक। तो यहाँ से नहीं करेंगे, मैं नेक्स्ट शीट में करवा दूंगा आपको। अभी फिलहाल सिर्फ दो चीज़ें देखनी है आपने इसमें, पूरी शीट में, और ये शीट ऑप्शनल है, मतलब ऐसा कोई नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख सकते हो, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी एनसीईआरटी की शीट नहीं है ये, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस की शीट है जो इस तरीके से चलती है। देखो एक बहुत सिंपल चीज़ है इसमें, वो कह रहा है एक पुली है, एक पुली में ये मास नीचे आ रहा है और ये मास ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन ये है, रिलेशन निकालो इसकी और इसकी एक्सेलरेशन का, क्या रिलेशन है, क्योंकि आप लोगों ने एटवुड मशीन की हुई है और आपको मालूम है कि जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी सेम, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो आप इजिली बता सकते हो। और वेक्टर फॉर्म में यू कैन राइट ए वन वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ए टू वैक्टर, इक्वालिटी ये शो करती है वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड बराबर है और माइनस साइन शो करता है डायरेक्शन ऑपोजिट है। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसको करने का एक और तरीका है, आप नहीं करना चाहो आपकी मर्जी है, उसको कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स ये है, जब भी ये सिस्टम मूव करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, रस्सी की लेंथ नहीं चेंज हो सकती है। अगर रस्सी 10 मीटर की लगाई है वो ऊपर नीचे तो हो सकती है, पर टोटल लेंथ रिमेन्स सेम। क्लियर है यहां तक? 10 मीटर 10 मीटर, टोटल 10 मीटर रहेगी। तो
तो एक काम करते हैं, इसको करने का और स्टाइल देखो, आप इस पुली से, ये वो ये रस्सी तो कभी चेंज नहीं होगी, जितना मर्जी मास ऊपर नीचे हो जाए तो ये ऐसी रहेगा। इसके सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस कितना है x1, और इसके सेंटर से ये कितना है x2। तो ये बताओ कि टोटल लेंथ इस स्ट्रिंग की कितनी है, x1 प्लस x2, और टोटल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। आप इसे ना एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो इक्वेशन को, एक्स की डिफ्रेंशिएट और लेंथ इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या देगी v1, x2 की क्या देगी v2, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, a1 a2 0, a1 इज इक्वल टू माइनस a2, बिना फ्री बॉडी डायग्राम के एक मिनट में आंसर आ गया a1 इज इक्वल टू माइनस a2। सॉल्व नहीं किया, बार बार से बस रिलेशन निकाल के आ गए, ऑब्जेक्टिव में कभी काम आ सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो टोटल लेंथ कॉन्स्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे अपने आप एक्सेलेरेशन a1 a2 का सम 0 आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू माइनस a2। आपको एक जरूरत क्या आती है, तो मुझे वैसे पता ही था, नहीं पता था मुझे पता है, इसमें क्या करोगे, ये लो दो पुलीज और दो तीन ब्लॉक्स हैं, करने बैठोगे बहुत लंबा हो जाएगा। देखो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें a1 a2 a3 का रिलेशन निकालना है एक्सेलेरेशन का। इमेजिन करते हैं इस पुली से इस मास का डिस्टेंस है x1, इसको रेफरेंस मान रहे हैं क्योंकि ये मूव नहीं कर रही ना, वही पॉइंट फिक्स्ड है इसका सेंटर का। इस पुली से इस मास का डिस्टेंस है x2, इस पुली से इस मास का डिस्टेंस है x3, इस पुली से इस पुली का मास है, सॉरी मास बोल गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेंथ है x4, रिपीट, इस पुली से इसका डिस्टेंस है x1, इस पुली से इसका डिस्टेंस है x2, इस पुली से इसका डिस्टेंस है x3, और इस पुली से इसका डिस्टेंस है x4। अब एक बात बताओ, डायग्राम देखते हुए ये रस्सी की लेंथ बताओ क्या होगी, ये वाली की x1 प्लस x4 l1, ये कांस्टेंट रहेगी। अच्छा इस रस्सी की लेंथ बताओ, इस रस्सी की x2 माइनस x1, इधर से x3 माइनस x4 l2, ठीक, x2 माइनस x1 ये लेंथ आ गई, नहीं ओ सॉरी x2 माइनस x4 सॉरी, हाँ पुली से पुली का डिस्टेंस, राइट x2 माइनस x4 ये लेंथ आ गई, और उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है x3 माइनस x4 ये लेंथ आ गई, राइट, दो ही क्वेश्चंस आ गई। इन्हें ओपन करेंगे तो x4 x4 2 x4, दो बार डिफ्रेंशिएट करो, ये क्या आएगा a1 और ये क्या आएगा a4, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये क्या बनेगा a2, ये क्या बनेगा a3, ये क्या बनेगा a4। इस इक्वेशन से a4 किसके इक्वल है, माइनस a1, इसमें a4 को यहां पुट कर दो माइनस a1, तो ये आंसर आ गया। तो a2 a3 और a1 का रिलेशन आ गया एक्सेलेरेशन का, क्या रिलेशन है, मतलब बिना सॉल्व किए बिना टेंशन कुछ भी नहीं किया, बस सीधा आपका आंसर आ गया। आपको फायदा भी जाते हुए देख जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है, इस क्वेश्चन को देखो आखिरी, कि सपोज सेम क्वेश्चन है, कह रहा है जब ये सिस्टम चल रहा था एट अ सर्टन मोमेंट ऑफ टाइम वेलोसिटीज ऑफ 1 and 2 बोथ आर 1 meter per second अपवर्ड, वो कह रहा है 1 ऊपर जा रहा है और 2 भी ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 meter per second, बोलो उस टाइम 3 की स्पीड क्या थी। अभी अभी 2 मिनट पहले हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला, ये रिलेशन कंस्ट्रेंट से निकाल लिया, अगर एक्सेलेरेशन में ये रिलेशन है तो वेलोसिटी में भी ये रिलेशन है, a2 की जगह v2, a3 की जगह v3, a1 की जगह v1, क्वेश्चन में v2 और v1 की वैल्यू क्वेश्चन में 1 गिवन है, 1 पुट कर दो, v3 एक मिनट में आ गया, माइनस माइनस साइन का मतलब अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो ये, पर आप स्पीड देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की, शॉर्टकट देखो कितना शॉर्टकट है, इफ रिक्वायर्ड, वैसे आज तक रिक्वायरमेंट रही नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी इसकी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे की बजाय ना वैसे आते हैं वो कोलिजन वाले, एवरेज फोर्स निकालो, पुलिस के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम रहता है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट वाइज इसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अगली बार टेस्ट के लिए मिलते हैं।